Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh। नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों मैं भी यहाँ खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे नया वीज़ा रूल्स के बारे में। तो आज ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 2019 में क्या रूल्स आए हैं वीज़ाओं के लिए, जो वर्कर्स आते हैं सऊदी अरेबिया में काम करने के लिए उनके लिए क्या रूल्स है नए, वो आपको बताऊंगा। और दोस्तों सबसे पहले आपको मैं ये छोटा सा गिफ्ट आया है मेरे बॉस के तरफ से, तो मैं इसको ओपन करके बताऊंगा आपको कि उसने क्या दिया है। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो के साथ, लास्ट तक देखिए वीडियो। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए और सब्सक्राइब कीजिए। तो जो जो भी भाई मेरे वीडियोस पर कमेंट कर रहे हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए दोस्तों फिर अनबॉक्सिंग करते हैं इसकी पिन्नी। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो ये ऐसा कुछ बैग निकला है इसके अंदर से, और ये कुछ पिन्नी निकली है। तो दोस्तों ये है सर्दी के कपड़े जो सर्दी में पहनते हैं। तो चलिए इसको ओपन करते हैं अभी। तो माशाल्लाह। ये दोस्तों ये सर्दी के लिए है, ये टी शर्ट है कपड़ों के अंदर से पहनने के लिए, क्योंकि अभी सर्दी ज़्यादा हो रही है। तो उन्होंने गिफ्ट दिया है, ये तोहफा दिया है। माशाल्लाह अच्छा है, ये इस ड्रेस के अंदर से पहन सकते हैं इसको। और ये जैसे कि ये पैंट है, ये पैंट। तो और एक दोस्तों ये हो सकता है जैकेट होगी जहाँ तक ख्याल है। तो दोस्तों इसमें निकली है ये टोपी, कैप निकली है। तो अभी पहन के बताता हूँ आपको। तो तो माशाल्लाह दोस्तों ये टोपी भी बहुत अच्छी है। और ये है पैताबे दोस्तों, मोजे पैताबे। और एक कीस है और एक पिनी है, इसको खोलना है। खोलने का क्या है, इसको फाड़ देते हैं। तो माशाल्लाह दोस्तों ये है रुमाल, ये रुमाल है। ये ग्लव्स है, तो ये ग्लव्स है दोस्तों, ग्लव्स साथ में पहनने के लिए। यहाँ पे सर्दी बहुत ज्यादा होती है एक एक टाइम में, इसकी वजह से यहाँ पर ये लोग ये सब तोहफे करते हैं सऊदी अरब में। और हर जगह करना भी चाहिए, ऐसे तोहफे देना चाहिए, हेल्प करना चाहिए लोगों की। तो ये दोस्तों ये मेरे बॉस के तरफ से है कफील, उनका नाम है मोहम्मद। तो उनको मैं बोलना चाहूँगा थैंक यू ब्रदर मोहम्मद, एंड शुक्रन फॉर दिस, जज़ाकअल्लाह फॉर दिस गिफ्ट फॉर मी। तो दोस्तों चलिए अब बात करते हैं वीज़ा के बारे में। तो दोस्तों वीज़ा के बारे में ये है मसला कि आप पहले उम्र के लिए, एज के लिए परेशान होते थे कि 21 साल के बाद ही सऊदी आ सकते हैं। तो ऐसी बात नहीं है दोस्तों, आप 18 साल के बाद, यानी आप 18 साल के हैं तो 18 साल के ऊपर आप आ सकते हैं सऊदी अरेबिया, 18 साल से लेके 60 साल के अंदर तक। अगर कोई 60 साल तक यहाँ पर काम कर रहे हैं, अगर उनका अच्छा एक्सपीरियंस है, एक्सपर्ट है, तो 60 साल के बाद भी वो आ सकते हैं। आप जहाँ से भी हो, सऊदी से बाहर आप जो कंट्री से भी हो वहाँ से आप आ सकते हैं। तो दोस्तों अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपकी उम्र अगर 19 साल 20 साल भी रहेगी तो आप सऊदी अरब आ सकते हैं। और एक बात है दोस्तों कि आपको एक दिल में हिम्मत रख के आना चाहिए कि मेरे को काम करना है, चाहे कोई भी काम लगो। काम करने की हिम्मत ताकत आप रखते हैं तो आप घर छोड़ के निकलिएगा, नहीं तो आप घर कने माशाल्लाह कमा सकते हैं। तो दोस्तों यही बताना था आज के वीडियो में, आज का वीडियो बस इसी के टॉपिक पे था। मेरे को यह खबर मिली क्योंकि
पहले हमारे एक दोस्त आने वाले थे सद्दाम साहब करके, उनका वीज़ा वीज़ा मेडिकल के लिए सब रेडी हो गया था, लेकिन उनकी एज थी 20 साल तो नहीं आ सके, तो वो दुबई चले गए सद्दाम। तो आप जो है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों आज है मंगल का दिन और अभी टाइम हो रहा है 9:47। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और दुआओं में याद रखिए, खुश रहिए आपकी फैमिली के साथ, तो हम भी यहाँ खुश रहते हैं। मैं सलामा, अल्लाह हाफिज़।